चुनावी रंजिश में भिड़े पार्षद प्रत्याशी, हार जीत की बहस से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में हुआ तब्दील। मारपीट में पार्षद प्रत्याशी सहित महिलाएं हुई घायल, दोनों पक्षों ने थाने में जाकर की शिकायत। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होते ही चुनाव रंजिशों का दौर शुरू हो गया है। रीवा में बीती रात दो पार्षदों प्रत्याशियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पार्षद प्रत्याशी सहित कुछ महिलाएं घायल हो गईं। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। दोनों ही पक्षों के द्वारा सिटी कोतवाली थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल ये विवाद चुनाव में हार और जीत को लेकर हुई बहस के दौरान हुआ। जानकारी के मुताबिक हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 34 के प्रत्याशी अकबर खान उर्फ राजू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। आरोप है कि वार्ड क्रमांक 35 के हारे हुए प्रत्याशी अकील खान बच्चा से हार जीत को लेकर बहस हो गई। अकबर खान ने बताया कि अकील खान की बहन उसके विरुद्ध वार्ड क्रमांक 34 से कांग्रेस प्रत्याशी थी, जो चुनाव में जीत गई। बीती रात हार और जीत को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। अकबर खान और राजू के परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके घर में घुसकर महिलाओं सहित पार्षद प्रत्याशी अकबर खान और राजू के साथ मारपीट की है। इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं घायलों को पुलिस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद से ही शहर के वार्ड क्रमांक 34-35 में तनाव की स्थिति निर्मित है। यदि समय रहते पार्षद प्रत्याशियों के बीच चल रहे विवाद को शांत नहीं कराया गया तो आने वाले समय में बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में स्थानीय निवासियों सहित SP नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। आए थे, मेरा नाम सैजान अली खान है। तो ये लोग वहाँ से आए थे, वो लोग दो लोग थे और यहाँ पास खुद की गाड़ी लगाए और यहाँ पास पहले खुद की गाड़ी फोड़े और अंदर आके हमको मारने लगे। सब बच्चे लोग को मतलब यहाँ बाहर लाके मारे और सबके पास हार्ट के पेशेंट थे, उनको भी मारा है अकेले। और फिर सर उनका गौरी पार्षद आई थी, वो तक गुंडे लेके आई थी 4-5, उन लोग ने भी हमें मारा है। सर क्या कर लिए हमारे दाजी चूल्हा कुछ ना कर पाएगा हमारा, ना ही शिवराज सिंह कुछ कर पाएंगे हमारे। रमजू का घर पूरा था। एक घटना कल प्रकाश में आई थी जिसमें एक ग्रुप जिसने चुनाव जीता है पार्षद का, उनका किसी बात को लेके उस पक्ष से विवाद हुआ जिन्होंने चुनाव हारा है, उसको लेके मारपीट की घटना हुई थी जिसकी FIR पंजीबद्ध कर ली गई है। किसी को कोई गंभीर चोट की जानकारी इसमें नहीं मिली है और दोनों पक्ष वर्तमान में सामान्य स्थिति में है और आगे कोई समस्या भी नहीं आई है। उन दोनों पक्षों का हम लोग भविष्य में पुनः झगड़ा ना हो इसलिए बाउंड ओवर भी करा रहे हैं।